फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्वेता। सभी का आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी बस मैं नहा करके आई हूँ और मैं सुबह अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ ज़रूर अपने स्किन पे लगाया करिए आप नहाने के बाद, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फेस को मॉइस्चराइज करना। तो जो भी आपकी स्किन को सूट करता है या जो भी आप लगाते हैं वो ज़रूर लगाया करिए। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं नहा करके आई हूँ, तैयार हुई हूँ, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन किया है और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। आज है सैटरडे, तो आज पीहू की छुट्टी है और पीहू यहाँ पे खड़ी है। हाय। और ये अभी कुछ खेल रही थी, मेरी आवाज़ सुन करके अंदर आ गई है। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊँगी पोहा और चाय और पीहू के डैडी के लिए ऑमलेट। हाँ, पीहू भी खाएगी, वो बोल रही है मैं भी खाऊँगी। तो पीहू को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है। और मैंने आज ये वाली कुर्ती डाल रखी है, आपने पहली बार देखी होगी ये कुर्ती। पता है बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी कुर्ती है और मैंने इसको आज पहना है। तो चलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो बस मम्मी का पानी गर्म हो गया है, वो नहाने गई हैं और मैं यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मूंगफली फ्राई करके निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे बिन पोहा में, मतलब पोहा उपमा जो भी हो, ऐसा फ्राइड राइस में मुझे ज़रूर मूंगफली अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने मूंगफली डाला है। और आप लोग को अगर नहीं पसंद है तो आप लोग ना डालें, लेकिन मूंगफली के बिना पोहा कम अच्छा लगता है। तो बस हमारा यहाँ गर्मा गर्म पोहा तैयार है, मम्मी नहा के आ चुकी हैं। अब हम सब लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मुझे थोड़े कपड़े भी धुलने हैं, तो वो सब भी लगाना है। और ये बस मम्मी नहा के आई हैं पूजा करके। चलिए करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और फिर अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद मैंने कपड़े लगा दिए हैं और देखा तो ये मशीन का ड्रायर नहीं चल रहा था। जब फर्स्ट राउंड मेरा धुल गया तो देखा नहीं चल रहा है। चलिए मिलती हूँ आपको। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और थोड़े से कपड़े हैं, तो वो भी मैंने मशीन लगा दिए। एक्चुअली मेरी मशीन का ना ड्रायर ख़राब हो गया है, तो बहुत मुश्किल हो रही है कपड़े धुल, मतलब रगड़ने में और सूखने में। रगड़ तो जा रहा है बट उसे सूखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट यहाँ पे बहुत तेज़ धूप रहती है तो सूख जाता है, बट मुझे पानी से उसको ऐसे निकालना भी पड़ता है। तो मैंने मशीन लगाई है, अब उसको वॉश करती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। लंच की तैयारी देखती हूँ, आज लंच में क्या बनना है पूछती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ मम्मी की पसंद का या फिर इनसे पूछ करके बनाऊँ। अभी तक मैं सिर्फ अपनी पसंद से बनाती ही जा रही हूँ, जो जो मेरे मन में आ रहा है। तो लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कुछ पूछ लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाती। तो बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन नहीं चल रही है, ड्रायर ख़राब हो गया है, तो फिर अब कपड़े तो धुलने ही हैं। तो बस अब मैं सबसे पहले अपने कपड़ों को वॉश कर लूँगी और फिर धूप बहुत तेज़ है तो कपड़े सूख जाएंगे, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस ये जो कपड़े ऐसे धुलने हैं वही प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आदत छूट चुकी है ना जब से मशीन है। और बचपन से ही, मतलब मैंने तो देखा है घर में मशीन है तो ऐसे ही कपड़े धुले जाते हैं मशीन में। तो अभी बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे कपड़े धुल रही हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बट देखते हैं, जब भी कोई ठीक ठाक मशीन वाला बनता है, मिलता है, तो हम लोग अपनी मशीन बनवा लेंगे। और बस अब कपड़े धुल लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो मेरे यहाँ कपड़े धुल गए हैं और ये देखिए मैंने इनको निचोड़ करके फैला भी दिया है। धूप बहुत तेज़ है तो जल्दी ही कपड़े सूख जाएंगे, उसकी कोई भी मुझे टेंशन नहीं है। और अब मेरा लंच भी बन गया था, मैंने लंच रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बीच बीच में बार बार मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, फिर कपड़े भी धुलने पड़ रहे थे, तो बार बार मुझे कैमरा इधर उधर करना पड़ता है, इस वजह से मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया है। और अब मैं यहाँ पर खाना खिला रही हूँ तो पीहू की डैडी और पीहू की मम्मी मतलब कि मेरी सासू माँ दोनों लोग बैठी हुई लंच कर रहे हैं। और अभी हमारा लंच हो चुका है, लंच के बाद मैं पीहू को लेके बैठी हूँ थोड़ी देर पढ़ाने के लिए। दासे तरबूज, थासे थलमस, इधर देखिए दासे, जैसे धासे, दासे सिंधु, धनुष, धनुष, नासे, नासुनल, पासे, पासे पतंग, पासे, पासे सिले, पासे, पासे फल, फल। सभी बस मैं जस्ट नीचे गई थी, शाम हो गई है, चाय वाय पी चुके थे हम लोग और मम्मी और पीहू अभी तक आए नहीं हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा सामान लेना था, आलू ख़त्म हो गए थे तो मैं आलू लेते हुए ऊपर आ गई हूँ और थोड़ी देर में अभी पीहू और पीहू की दादी भी आ जाएंगी। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, मिक्स पराठे बनाऊँगी सब कुछ मिक्स करके, तो जैसे आलू, गाजर, गोभी और क्या बोलते हैं प्याज, सब कुछ मिक्स करके बनाऊंगी जैसे कि बनाती ही हूँ। और रेसिपी अगर होगा तो रिकॉर्ड करूँगी, नहीं तो नहीं भी रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मेरी फ़ोन की ना मेमोरी पूरी भरी हुई है, मतलब मेमोरी बहुत ज़्यादा भरी हुई है और मैं सोच रही हूँ कैसे डिलीट करूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ इस चक्कर में। बार बार एडिट करना पड़ता है क्लिप्स को और फ़ोन खाली करना पड़ता है, उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग सजेस्ट करिएगा मैं क्या करूँ इसके लिए, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो। वैसे मैं सोच रही हूँ पेन ड्राइव लेने के लिए, बट कौन सी लूँ क्या लूँ, अगर आप लोग को कुछ आइडिया है तो मुझे सजेस्ट करिएगा। और अभी मैं यहाँ पे कपड़े ये सब जो है वो फोल्ड करके रख रही हूँ, मेरे पास टाइम बच गया इसलिए मैंने आटा गूँथ के लगा दिया है। 7 बज रहे हैं और पीहू के अभी पीहू आई नहीं है तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी फोल्ड करके रख देती हूँ जल्दी से। सुबह आज मैंने कपड़े धुले थे जैसा कि आपने देखा ही था, तो चलिए पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इधर आओ, प्रशा आई होगी, प्रशा आई थी, क्या कह रही थी? अभी जस्ट मैं प्याज चॉप करके आई हूँ और आप आंखें देख सकते हैं कि आंसू भर गए हैं, तो प्याज काटने में आज भी बहुत मुश्किल होती है। चॉपर से किया है बट उतनी ज़्यादा उसमें झाल है, मतलब क्या बोलते हैं तीखापन है कि आंखों में बहुत लग रहा था। और मैंने पूरी तैयारी कर ली है और अब बनाएंगे थोड़ी देर में पराठे। तो पीहू के डैडी भी आ गए हैं, वो भी वॉक करने के लिए गए थे और कुछ फ्रूट्स लेकर के आए हैं तो वही उनके हाथ में है। और अब ये सब मैं सेट कर दूंगी और इधर पीहू की दादी और पीहू यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तो मम्मी जब टाइम रहता है तो उसको थोड़ी देर पढ़ा भी देती हैं तो वो आराम से बैठ के पढ़ लेती है। तो बस यहाँ पर वो दोनों खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अब मेरा यहाँ पर डिनर का टाइम हो गया है बनाने का। तो अब मैं यहाँ पर आलू जो मैंने मैश किए थे उसमें मैं सारी सब्जियां वही वेजिटेबल्स जो मैंने बताई वो सब मैं डाल करके यहाँ पे उसका फिलिंग स्टार्ट मतलब बना रही हूँ, पराठे का फिलिंग बना लूँगी। उसमें मसाला जो भी डालना है वो तीखा डालना है या नहीं डालना है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा खाता है और आपके घर में बच्चे हैं तो आप उसके हिसाब से बनाइए, वरना आप आराम से चटपटा बना सकते हैं। उसमें हरी मिर्च चॉप करके डाल दीजिए और चाट मसाला डाल दीजिए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो लेकिन मैं थोड़ा अभी कम मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पीहू को खिलाना है, उसके बाद लास्ट में मैं अपने में डाल लेती हूँ मतलब अपने लोगों में, तो पहले पीहू के लिए बना देती हूँ एक। तो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज जो कि मैंने चॉपर से ही प्याज चॉप करी थी, बट उसमें आज बहुत ज़्यादा तीखापन था तो आँखों में बहुत आंसू आ रहा था तो रोना आ गया मुझे आज भी। तो वही है प्याज बहुत लगती है, आप लोग को लगती है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये थैला मैंने टांगा है अभी जो पीयू के डैडी लेकर के आए थे उसमें दूध था ना, तो जब दूध ठंडा रहता है मतलब वो लोग फ्रिज से निकाल के देते हैं, पैकेट तो गीला हो जाता है थैला पैकेट जो ये है, तो इसको मैंने यहाँ टांग दिया है, जब वो सूख जाएगा तब फिर मैं उसको अंदर रखूँगी। तो
बस यहाँ पे पीहू खड़ी है और पीहू ने अपनी दादी की लिपस्टिक भी लगा ली है, तो उसके होंठ जो है बहुत रेड रेड पिंक पिंक से हो गए हैं। चलिए खिला लेती हूँ सबको, लंच करा लेती हूँ। और इधर मैं चाय भी बना रही हूँ, मम्मी ने बोला कि मुझे उनको थोड़ा सा खांसी हो गई थी, जुकाम हो गई थी, तो वो बोली मुझे चाय भी बना देना पराठों के साथ। तो बस मैं यहाँ पे मम्मी के लिए 1 कप चाय बना रही हूँ और अब कराती हूँ सबको डिनर। और फिर डिनर करने के बाद मैं आपको सीधे नीचे मिलती हूँ वॉक करने के टाइम। फ्रेंड्स, फिर से मैं आ गई हूँ नीचे अपनी रात की वॉक करने के लिए और हेडफोन लगा रखा है, तब आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और अभी मैं गई थी थोड़ा सा छाछ लेने के लिए, क्योंकि कल मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे, तो उसके लिए मुझे चाहिए था कर्ड या फिर मट्ठा या दही कुछ भी, तो वो था नहीं, इसलिए मैं लेने गई थी। और पीहू भी मेरे साथ वॉक कर रही है और मैं भी वॉक कर रही हूँ, खाना हम लोगों का हो चुका है। तो बस मैंने कहा चलो फिर से आपसे यहीं से ही अपना व्लॉग फिनिश करते हैं, जैसे कि आजकल डेली हो रहा है। और मम्मी भी आई हैं, वो भी वॉक कर रही हैं, अभी वो थक गई थी तो वो झूले पे बैठी हुई हैं, और मैं और पीहू वॉक कर रहे हैं। पीहू मेरे पीछे पीछे लगी रहती है जैसा कि आप सभी को पता है। तो बस चलिए फिर इसी के साथ मैं ये व्लॉग अब इवनिंग वॉक नाइट वॉक के साथ फिनिश कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको कल सुबह एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट। और इसी तरह मेरे ब्लॉग को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय, चलो बाय बाय बाय।